हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता और आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम। देख, थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली थेवेनिन थ्योरम एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम लोग कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है या फिर सर्किट है जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी लगे हुए हैं। तो उस सर्किट को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए थेवेनिन्स थ्योरम का यूज किया जाता है ताकि वो जो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है वो सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग जो निकालना चाहते हैं वो निकाल पाए। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए। थेवेनिन्स थ्योरम आप लोग के जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो आप लोग को कैसे लिखना है, ऐसे लिखिए, थेवेनिन्स थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी टू टर्मिनल एनी टू टर्मिनल लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क, बाइलैटरल नेटवर्क और सर्किट, नेटवर्क भी हो सकता है या फिर सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क और सर्किट, ठीक है, हैविंग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंप्लीफाइड नेटवर्क नेटवर्क नोन एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। देखिए, इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई लीनियर या फिर बायलैटरल नेटवर्क, देखिए लीनियर नेटवर्क कौन से नेटवर्क होते हैं, ऐसे नेटवर्क जिसमें लीनियर एलिमेंट लगे हुए रहे। ठीक है, कौन सा एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट का मतलब होता है, देखिए, लीनियर एलिमेंट्स वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट का इक्वेशन लीनियर हो, इनपुट और आउटपुट का जो इक्वेशन होगा, जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। जैसे एक रजिस्टर, इसका अगर करंट आई फ्लो करता है तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी आर। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, कैसा इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए रेजिस्टर इज अ लीनियर एलिमेंट। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर इंडक्टर को देखें तो ये भी एक क्या है, लीनियर एलिमेंट है। कैपेसिटर भी क्या है, एक लीनियर एलिमेंट है। तो यहां पर क्या बोला है, थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी टू टर्मिनल लीनियर, लीनियर का मतलब आपको समझ में आ गया, एंड बायलैटरल नेटवर्क। देखिए, बायलैटरल नेटवर्क कैसे नेटवर्क होते हैं, जिसमें बायलैटरल एलिमेंट्स कनेक्ट हो। ठीक है, तो बायलैटरल एलिमेंट कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि डायोड। देखिए, बायलैटरल
एलिमेंट, बायलैटरल एलिमेंट। बायलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बायलैटरल नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें अगर हम लोग उसके करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो हम लोगों का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें एक रजिस्टर है मेरे पास, उसमें करंट का डायरेक्शन, देखिए ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें अगर करंट का डायरेक्शन ए टू बी है, ठीक है, तो हम लोग का वोल्टेज इक्वेशन क्या आएगा, वी इक्वल टू आई इन टू आर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसी रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, बी टू ए कर दें, तो क्या इसके नेचर में ये जैसे बिहेव कर रहा है उसके नेचर में कुछ चेंजेस आएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इसमें इसके नेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसलिए बायलैटरल नेटवर्क या बायलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोलें एक डायोड, डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, ठीक है, डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट। अगर मान लीजिए डायोड में अगर हम करंट के डायरेक्शन को ए टू बी दिखाएं तो इसमें क्या होगा, डायोड इज कंडक्टिंग, डायोड इज कंडक्टिंग, मतलब डायोड काम करने लगेगा। अगर सिमिलरली हम लोग डायोड में इस करंट के डायरेक्शन को इस बार बी टू ए कर दें, मतलब चेंज कर दें, तो क्या होगा, डायोड नॉट कंडक्टिंग, डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, ठीक है, डायोड इज नॉट कंडक्टिंग, मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं डायोड के केस में तो डायोड का बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो डायोड इज नॉट अ बायलैटरल एलिमेंट, इट इज एन यूनिलैटरल एलिमेंट, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बायलैटरल एलिमेंट वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसके बिहेवियर में कोई भी चेंजेस ना आए, और यूनिलैटरल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें तो उसके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, ठीक है। चलिए तो थेवेनिन थ्योरम बोलता है अगर कोई लीनियर या फिर बायलैटरल नेटवर्क हो, ठीक है, और उसमें हो सके इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट कोई भी सोर्स लगे हुए हो, डजंट मैटर, ठीक है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये एक करंट सोर्स है, ठीक, ये भी एक रजिस्टर है और ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक क्या है, ये एक लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क हो गया। लीनियर नेटवर्क क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। बायलैटरल क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई R1 वैल्यू है, ये कोई R2 वैल्यू है, ये R3 वैल्यू है, ये कोई आई एम्पियर होगा और ये कोई वी वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्या है, ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन थ्योरम के मदद से एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए एक वोल्टेज सोर्स जिसका वैल्यू हो जाएगा वी टी एच, और एक रेजिस्टर जिसका वैल्यू हो जाएगा आर टी एच, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क को हम लोगों ने सिंपल दो एलिमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ओपन सर्किट हम रखे हैं ये बेसिकली लोड रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, इस ओपन सर्किट टर्मिनल में लोड रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। अब बात यह है कि लोड रेजिस्टेंस क्या है, देखिए बेसिकली क्या है, हम लोग के इस पूरे नेटवर्क में आप लोग को ये बोला जाएगा कि आप फाइंड कीजिए आर टू के अक्रॉस का करंट, या फिर बोला जाएगा कि आप फाइंड कीजिए आर थ्री के अक्रॉस का करंट, या फिर आर वन के अक्रॉस का करंट, मतलब आपको इस पूरे नेटवर्क में कोई ना कोई एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक।
तो जिसके अक्रॉस आपको कुछ भी निकालने बोला जाए उसी को हम लोग लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस नेटवर्क में आपको बोला जाए फाइंड द करंट आई थ्रू द रेजिस्टर आर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सर्किट में आर टू जो है मेरा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमको कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जाए। तो यहां पर मेरा लोड रेजिस्टेंस क्या है, आर टू है। तो लास्ट में यहां जो हम लोग को लगता है लोड रेजिस्टेंस लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर एल, आर एल इज लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर टू। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो थेवनिन्स थ्योरम एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके मदद से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस थेवनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप वन, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहला जो हम लोग का काम होता है लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट कैलकुलेट आर टी एच। आर टी एच क्या है, थेवेनिन्स थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। क्या है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप थ्री, कैलकुलेट कैलकुलेट वी टी एच। अब वी टी एच क्या है, क्या है वी टी एच, थेवेनिन्स थेवेनिन्स वोल्टेज। क्या है, थेवेनिन्स वोल्टेज। बहुत बढ़िया। और लास्ट स्टेप क्या है, और फाइनल स्टेप जो है हम लोग का क्या है, ड्रॉ ड्रॉ थेवेनिन्स ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप सिंप्लीफाइड नेटवर्क में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग एक क्वेश्चन के मदद से समझने का ट्राई करते हैं।